कल जो है वो मैंने शायद दूसरा पास्टुलेट जो था उसको फिनिश कर लिया था. नाउ टुडे आई विल डिस्कस द थर्ड पास्टुलेट विच इज रिलेटेड टू क्वांटम मेजरमेंट्स. क्वांटम मेजरमेंट अब हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि जो क्लोज क्वांटम सिस्टम होता है वो इवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू यूनिटरी एवोल्यूशन. तो जो एवोल्यूशन होता है सिस्टम का वो इंट्रैक्ट नहीं करता विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज ऑल वेरिएबल. मतलब ये हमने ये वाली चीज़ पढ़ी है कि ये करता नहीं है, लेकिन बाद में हमने ये भी देखा कि वो जब टाइम के साथ इंट्रैक्ट करता है या कोई और कोई सिस्टम ले लें तो वो फिर सिस्टम जब इंट्रैक्ट करता है तब भी वो एवोल्यूशन उसके अंदर आता है, चाहे वो क्लोज हो चाहे वो ओपन हो. दोनों सूरतों के अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर एवोल्यूशन जो है वो आती है. लेकिन हम जो है वो जो यूनिवर्स होती है पूरी उसको क्या कंसिडर करते हैं, एक बड़ा क्लोज सिस्टम कंसिडर करते हैं. और उसी ही बड़े क्लोज सिस्टम के अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो बाकी सिस्टम्स हैं उनके दरमियान में आपस में इंट्रैक्शन जो है वो हो रही है. ठीक है, तो वी पास्टुलेटेड, तो हमने ये पास्टुलेट किया दैट क्लोज्ड सिस्टम इवॉल्व अकॉर्डिंग टू यूनिटरी एवोल्यूशन. ये इवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिटरी एवोल्यूशन. तो जो एवोल्यूशन है वो सिस्टम्स का जो कि इंटरेक्ट नहीं करते रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ टाइम्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट के अंदर आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो एक्सटर्नल फिजिकल सिस्टम्स हैं इन अदर वर्ड्स वो ऑब्जर्व होते हैं सिस्टम टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड द सिस्टम. ठीक है, यानी कि बड़े सिस्टम के अंदर छोटे सिस्टम्स होते हैं और वो जो बड़े सिस्टम के अंदर छोटे सिस्टम्स होते हैं उन छोटे फिजिकल सिस्टम्स को ये देखा जाता है कि क्या इनकी इंट्रैक्शन जो है वो और कौन से सिस्टम्स के साथ जो है वो हो रही है. तो फिर वो सिस्टम जो है वो क्लोज नहीं रहता और फिर उसमें आप यूनिटरी एवोल्यूशन जो है उसको भी अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब ये जो इस किस्म का प्रॉब्लम है कि जब आपके पास जो है वो पास्टुलेट टू के अंदर यूनिटरी एवोल्यूशन ना आ रही हो, किसके लिए, क्योंकि यूनिटरी एवोल्यूशन किसको डिस्क्राइब करती है, क्लोज सिस्टम को. तो अगर क्लोज सिस्टम नहीं रहा तो ओपन सिस्टम हो गया. अब जब ओपन सिस्टम हो गया तो यूनिटरी एवोल्यूशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, तो फिर आपको तीसरा पास्टुलेट अप्लाई करना. और वो तीसरा पास्टुलेट क्या है, वो क्वांटम मेजरमेंट का पास्टुलेट है. तो द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम्स, जो एवोल्यूशन है सिस्टम्स का विच डोंट इंट्रैक्ट विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो के इंट्रैक्ट नहीं करते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से. ठीक है, बट देयर मस्ट बी समटाइम्स
लेकिन यहाँ पर बाज़ दफ़ा कुछ टाइम्स के अंदर व्हेन द एक्सपेरिमेंटल एंड देयर एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट और उनका जो एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है, ठीक है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट क्या है, ये एक एक्सटर्नल फिजिकल सिस्टम है, एन एक्सटर्नल फिजिकल सिस्टम। तो ये एक एक्सटर्नल फिजिकल सिस्टम है, इन अदर वर्ड्स ऑब्जर्व्स द सिस्टम टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या, ये एक अट्रैक्शन है, एन इंट्रैक्शन, ड्यू टू विच सिस्टम नो लॉन्गर रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। अब इस सूरत हाल में सिस्टम जो है वो क्लोज नहीं रहेगा एंड दस नॉट सब्जेक्ट टू यूनिटरी एवोल्यूशन। अब आप इसको यूनिटरी एवोल्यूशन इस पर अप्लाई या इस पर सब्जेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पास्टुलेट नंबर 3 जो है उसकी जरूरत पड़ती है, टू एक्सप्लेन What happens when this is done? कि क्या होता है कि जब ये वाली सिचुएशन पैदा हो जाए कि सिस्टम क्लोज ना रहे। We introduce postulate 3। तो फिर हमें पास्टुलेट 3 इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, विच प्रोवाइड्स ए मीन्स फॉर डिस्क्राइबिंग the effects of measurement on quantum systems।
ठीक है, तो अब तीसरा पास्टुलेट हमें इंट्रोड्यूस करवाना। देखें, आप एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जो होता है फिज़िक्स के अंदर, उसमें आमतौर पर चीज़ें मेजर ही की जाती हैं। ठीक है, तो आप जब चीज़ों को मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो फिर जो आपका सिस्टम है जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो क्लोज है, और क्लोज होने के बाद वो जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे कट ऑफ है, तो फिर वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कट ऑफ तो नहीं रहेगा। यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब, वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम इज़ नो लॉन्गर क्लोज, यू आर डूइंग क्वांटम मेजरमेंट्स, आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं क्वांटम मेजरमेंट्स। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए यूनिटरी एवोल्यूशन में तो आप ये कंसिडर करते हैं कि सिस्टम क्लोज है, यानी कि आपका पूरा बड़ा जो यूनिवर्स वाला सिस्टम है वो क्लोज है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप यूनिटरी एवोल्यूशन जो है वो लगा देते हैं। लेकिन जब आपने क्वांटम मेजरमेंट्स करनी है, तो फिर यूनिटरी एवोल्यूशन वहाँ पर नहीं लग सकता। तो उसके लिए ये तीसरा पास्टुलेट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ पास्टुलेट थ्री की। तीसरा पास्टुलेट जो है इसका, जो कि क्वांटम मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो क्वांटम मेजरमेंट्स आर डिस्क्राइब, क्वांटम मेजरमेंट्स जो हैं इनको डिस्क्राइब किया जाता है बाय कलेक्शन MM ऑफ मेजरमेंट ऑपरेटर्स। मेजरमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। अब ये ऑपरेटर्स किसके ऊपर एक्ट करते हैं? ये ऑपरेटर आपकी जो स्टेट स्पेस होती है उसके ऊपर ये ऑपरेटर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। These operators are acting on state space of the system being measured. ठीक है, जो स्टेट सिस्टम होता है जिस क्वांटम सिस्टम का मानिए उसकी स्टेट स्पेस के ऊपर ये इसको आप यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेक्स एम है ये रेफर करता है मेजर आउटकम्स को, यानी कि मेजरमेंट के बाद जो आउटकम्स आते हैं। जारी बात है, आप जब मेजरमेंट का कर लेते हैं तो मेजरमेंट के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द मेजरमेंट आउटकम्स। तो द इंडेक्स एम, ये जो छोटा आ रहा है इसके अंदर ये इंडेक्स एम, ये मेजरमेंट आउटकम्स को डिस्क्राइब कर रहा है। रेफर्स टू द मेजरमेंट आउटकम्स, जो मेजरमेंट के आउटकम्स हैं उनको ये रेफर कर रहा है। दैट मे अकर इन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट में अकर करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट के नतीजे में रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो अगर आप जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है वो साई है, इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज साई कैट, अगर स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो साई कैट है, बिफोर द मेजरमेंट, मेजरमेंट से पहले, अभी आपने मेजरमेंट नहीं की, उससे पहले सिस्टम की स्टेट क्या है वो साई है, मेजरमेंट नहीं की, मेजरमेंट से पहले सिस्टम की स्टेट साई है, देन द प्रोबेबिलिटी तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है दैट द एम अकर्स, यानी कि जो आउटकम्स हैं वो आएंगे, इज गिवन बाय, तो वो एम आउटकम्स जो हैं उसको आप इस इक्वेशन से लिखेंगे कि पी ऑफ एम is equal to psi m dagger m m psi comma, इसको आप कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर वन है। ये कब है, जब अभी स्टेट को मैयर आपने नहीं किया, बिफोर द मैयरमेंट ऑफ द स्टेट, लेकिन जब आप स्टेट को मैयर कर लेंगे उसके बाद एंड द स्टेट ऑफ द सिस्टम आफ्टर मेजरमेंट, लेकिन जो स्टेट है सिस्टम की मेजरमेंट के बाद इज एम एम ऑफ साई डिवाइडेड बाई साई एम डैगर एम 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 साई, इसको कह लें ये इक्वेशन नंबर टू है। अब आपने इसको इससे क्यों डिवाइड किया आफ्टर मेजरमेंट, हाँ नॉर्मलाइजेशन के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए उससे डिवाइड करिए, तो आफ्टर मेजरमेंट ये आपके पास आ जाएगा। अब जो मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं ये सेटिस्फाइज करते हैं कंप्लीटनेस रिलेशंस को, द मेजरमेंट ऑपरेटर्स सेटिस्फाई कंप्लीटनेस रिलेशन, ये सेटिस्फाई करते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन को और इक्वेशन को, और वो इक्वेशन है हमारे पास समिशन एम 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 डैगर एम यूनिटी, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर तीन है। तो अब ये कंप्लीटनेस रिलेशन हमें ये बताता है कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये जो हमने लिखी थी ये वाली प्रोबेबिलिटीज इस मेजरमेंट की, इनका सम जो होता है, इन प्रोबेबिलिटीज का सम जो होता है वो वन के बराबर होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी वन ही होती है, जीरो नहीं हो सकती, जीरो होगी तो फिर तो वो सारी चीजें मेजर हो जाएंगी, ठीक है। तो द कंप्लीटनेस इक्वेशन
अब ये जो कंप्लीटनेस इक्वेशन है एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट द प्रोबेबिलिटीज के जो प्रोबेबिलिटीज हैं सम टू वन, इनका सम वन के बराबर है। तो वन इज इक्वल टू समेशन एम पी ऑफ एम इज इक्वल टू समेशन एम साई एम डैगर एम 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 साई। दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। इन सब का ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वाली, इन सब का सम जो है वो वन के बराबर है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर फोर है ये तमाम साइज के लिए सेटिस्फाई करती है जो इक्विवेलेंट होते हैं कंप्लीटनेस इक्वेशन। दिस इक्वेशन is being satisfied for all size, सारे size जो हैं उसके अंदर is equivalent to the complete नेस इक्वेशन। ठीक है, और ये कंप्लीट नेस इक्वेशन के इक्विवेलेंट होता है। वो मैंने ऊपर जो रिलेशन लिखा था ये वाला, ये किस चीज का रिलेशन है? ये कंप्लीट नेस का रिलेशन। अब यहाँ पर इसकी ये जो क्वांटम मेजरमेंट है इसकी आपको एग्जांपल हमें लेनी चाहिए जिससे हमें समझ आए किसी सिस्टम के ऊपर इसको अप्लाई करके। तो अ सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट, एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है of measurement is the measurement of a qubit. इन द कंप्यूटेशनल बेसिस, वो कंप्यूटेशनल बेसिस कौन सी होती है? जीरो एंड वन। और वो क्या होती हैं? वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इन द कंप्यूटेशनल बेसिस अब ये मेजरमेंट होगी सिंगल क्यूबिट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट ऑन द सिंगल क्यूबिट
सिस्टम। तो ये मेजरमेंट किसके ऊपर होगी, एक सिंगल क्यूबिट सिस्टम के ऊपर विथ टू आउटकम्स, आप चूंकि सिंगल क्यूबिट जो होती है वो जीरो और वन में होती है, तो जब आप इसके ऊपर मेजरमेंट लेंगे तो फिर आपके पास दो ही आउटकम आ जाएंगे, एक जीरो के लिए आएगा एक वन के लिए आएगा, तो इसमें दो आउटकम्स आएंगे डिफाइंड बाय टू मेजरमेंट ऑपरेटर्स, जिनको आप डिफाइन करते हैं दो मेजरमेंट ऑपरेटर्स। अब वो मेजरमेंट ऑपरेटर्स क्या होंगे, एम नॉट एक ऑपरेटर जो जीरो के लिए होगा, यानी कि जीरो जीरो ऐसे लिख लेंगे, और एक होगा एम वन जो वन और वन के साथ होगा। तो हर मेजरमेंट ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर एम वन और एम नॉट, ये क्या है, ये हर्मिशियन है। ईच मेजरमेंट ऑपरेटर इज हर्मिशियन, ये हर्मिशियन। आपको वैसे भी पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादातर ऑपरेटर्स हर्मिशियन ही होते हैं, बहुत काम होता है कहीं पर कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर आपके पास ना आ रहा हो। तो अब मैंने यहाँ पर एम नॉट और एम वन ये दो ऑपरेटर्स डिफाइन किए हैं, किसके लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसके ऊपर, एक सिंपल मैंने सिस्टम लिया। आपको पता है क्वांटम इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे सिंपल सिस्टम कौन सा है, सिंगल क्यूबिट, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास सिंपल सिस्टम है। तो हम बार बार इसी सिंपल सिस्टम को, हमारी सारी डिस्कशन जो है वो क्यू बिट के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। अच्छा, अब अगर ये ऑपरेटर्स हर्मिशियन है तो फिर देन एम नॉट का अगर आप स्केयर ले लें तो इसको इक्वल होना चाहिए एम नॉट के, और एम वन का स्केयर लें तो इसको भी बराबर होना चाहिए एम वन के। यू कैन चेक इट, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या करोगे भला, आपके पास देखें उस साइड पे एम और एम नॉट है, जीरो जीरो एक बीच में इनर प्रोडक्ट आ जाएगी जीरो और जीरो की, या वन की, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी और पीछे वही वाली वैल्यू रह जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये एम नॉट है, ये एम स्क्वायर बनेगा, तो ये होगा ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये वन हो जाएगा, सॉरी वन नहीं हो जाएगा, ये वही वाली चीज़ दोबारा एम नॉट ही बन जाएगी, ये पीछे यही बच जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या बच गया पीछे, ये एम नॉट का स्केयर एम ही बच गया, ठीक है। तो दूसरे का भी आप इसी तरह कर सकते हैं, एम वन का भी, तो एम वन एम वन का स्क्वायर
ये आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वन हो जाएगी, ठीक है वैल्यू, और पीछे आ जाएगा एम वन का स्क्वायर वन वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन, ये इधर इसको वन लिखना। ठीक है, तो ये दोनों उसी के बराबर आ जाएंगे अगर ये हर्मिशियन है। तो इसका मतलब है कि जो फिर कंप्लीटनेस रिलेशन है, द कंप्लीटनेस रिलेशन ओबेड, ये ओबे करेगा कि आई आइडेंटिटी जो है ये बराबर है एम नॉट डैगर एम प्लस एम डैगर वन एम वन इज इक्वल टू एम नॉट प्लस एम वन। ठीक है, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, क्या हो जी? आपकी शक्लें इस तरह हैरान सी देख के ना मैं खुद हैरान परेशान हो जाता हूँ, ऐसे जैसे हवाइयां ही हो रही है जिसमें मुझे क्या, तो क्या है इसमें मुश्किल है? इसका डैगर लेना है तो डैगर लोगे तो क्या होगा उसको, वो जो वो स्टेट लिखी हुई है, तो इसको बोलो ना कि ये हो जाएगा, इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात। ठीक है, वो लेंगे साथ वही स्टेट लिख देंगे इधर, फिर वही लेंगे वही साथ स्टेट लिख देंगे, उसमें वो नॉर्मलाइजेशन होगी, वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास यही वाली दोनों टर्में बच जाएगी, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये प्लस में इस तरह आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब आप सपोज करें कि जो स्टेट है हम इसको मेजर करते हैं, सपोज द स्टेट being measured is psi, वो psi है, a of 0 plus b of 1, हमें पता है कि this is the state of qubit, ये आपको पता है कि ये qubit की ही state है। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मेजरमेंट, तो जो प्रोबेबिलिटी अब आपके पास मेजरमेंट को ऑब्टेन करने की आउटकम ज़ीरो, जिसका आउटकम ज़ीरो आए वो क्या होगी, इज पी ऑफ ज़ीरो साई एम डैगर एम साई इज इक्वल टू साई एम नॉट साई इज इक्वल टू ए का मॉड स्क्वायर।
अब इसके अंदर एम नॉट, ये पीछे मैंने प्रूव किया है अभी, एम नॉट डैगर एम जो है वो किसके बराबर है, एम नॉट। अच्छा, अब ये ए का मॉड स्क्वायर किस तरह आ गया, ये ए का मॉड स्क्वायर जो है अब आपने जीरो के लिए आपने निकालना है उसको, ठीक है। तो एम नॉट जो है वो जीरो जीरो यहां पर है, एम नॉट की वैल्यू, और स्टेट कौन सी है, साई। तो जो वन वाली टर्म है वो खत्म हो जाएगी, वन वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप अगर इसके यहां पर लिखेंगे, ये स्टेप तो आपको समझ आ गई है, तो सीधा ठीक है। अब इधर ये साई है, अगर साई क्या है, ये ए जीरो प्लस बी वन, ठीक है। अब इसके अंदर एम नॉट जो है, एम नॉट की वैल्यू क्या है, एम नॉट की वैल्यू है इसके अंदर जीरो जीरो, और फिर इस तरफ पे है ए जीरो प्लस बी वन, ठीक है, यही है। अब आप देखें कि अगर इसको इस तरफ लेके आए तो ए ऑफ जीरो 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 प्लस बी ऑफ वन जीरो और बी ऑफ वन जीरो और साथ में इसके जो है ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में ये मैं डाल लेता हूँ ये वाला ए जीरो प्लस बी वन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पर जो ये वाली टर्म है इसमें ये वन और जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगी। तो पीछे रह जाएगी हमारे पास ये ए जीरो जीरो जो है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए जीरो जीरो इसके साथ ये वाला जो है वन हो जाएगा, तो ये जीरो रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए जीरो, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करें और इधर आएगा ए जीरो प्लस बी वन, ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाएगा ये ए जीरो जीरो प्लस ए जीरो, बी को भी बाहर ले आए इसके साथ ही वन, ये क्या होगा, इसके साथ एक और ए आएगा, ये क्या चीज हो जाएगी, ये जो है ये आप, अच्छा यहां पर मैं एक गलती कर गया हूं, इसको लिखना था ए स्टार, क्योंकि मैंने उसको चेंज किया था ना, तो जब चेंज करना है तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा, इसको लिखेंगे ए स्टार, इसको लिखेंगे बी स्टार, ठीक है। दूसरी साइड वाला जो है उसको स्टार नहीं करना, तो इधर भी ये आ जाएगा ए स्टार ए स्टार ए ए बी। अब ये क्या चीज हो जाएगी, हैं कितनी मुश्किलों से आप, अब प्लीज ये ना कह देना कि इसका भी नहीं हमें पता, ये वन है ए स्टार ए वन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये चीज ही हमारे पास आ गई,
ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन कह लेता हूँ, पीछे कितनी इक्वेशन मैंने डिफाइन की हैं, फोर, तो इसको कह लें आप फाइव, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। तो अब इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी है, अब मेरा ख्याल है आपको ये मैंने कर दिया तो शायद आप दूसरे की निकाल ही लें, तवक्को ही कर सकते हो। तो सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग मेजरमेंट आउटकम वन इज पी ऑफ वन इज इक्वल टू बी का मॉड स्क्वायर। ये निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, यही वाला लिखेंगे, ये आपने स्टेप पूरे करने हैं जो आपने नोट्स बनाने हैं उसके अंदर, ठीक है। इसमें एम वन एम डैगर वन एम वन लिखना है, फिर वो आपका एम वन के बराबर आ जाएगा, वो मैंने पीछे प्रूव किया हुआ है, और उसके ऊपर यही स्टेट आएगी, सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या आएगा, ये वन वन आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो वन वन के बराबर आ जाएगी, बाकी सारा जो है वही प्रोसेस आपने करना है। तो अब अभी मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, इसको लेक्चर को, ठीक है। बाकी अभी ये मैंने बिफोर मेजरमेंट लिखी है, इसके बाद आफ्टर जो है वो लिखूँगा।